सर मैं आई नो कि एक आर्टिस्ट में कास्टिंग डायरेक्टर क्या देखता है, मतलब कि किस बेस पर आपको सेलेक्ट करते हैं, आप में क्या देखते हैं, राइट? देखो, कास्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले आप ये देखता है कि लुक कैसा है आपका। सबसे पहले लुक देखा जाता है आर्टिस्ट का। अगर आपका लुक जा रहा है कोई हीरोइन टाइप या हीरो टाइप लुक है, या फिर आपका एक गुंडा टाइप लुक है, आप एक शरीफ दिखते हो, या फिर आपका एक गांव वाले टाइप का लुक है, किसी भी मतलब उसमें से आप ले सकते हैं कि आपका लुक क्या है। क्योंकि जैसे सभी बड़े डायरेक्टर्स भी यही बोलते हैं कि लुक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मुझे कोई टीचर चाहिए एक कैरेक्टर के लिए, तो मुझे 20 साल का लड़का तो नहीं रह सकता ना। अगर यूनिवर्सिटी का मुझे टीचर दिखाना है तो मुझे लुक देखना पड़ेगा कि वो आदमी कैसा लुक है, कितने साल का दिखता है। अगर मुझे एक गुंडे के लिए बंदा चाहिए जो कि मेन गुंडा है, तो देखना पड़ेगा कि किसको लेना है। एक तो वो चेहरे होते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, सो उनका एक मार्केट वैल्यू है, तो उनके लिए उनको कोई भी रोल दिया जा सकता है, उनको कोई भी कैरेक्टर दिया जा सकता है। एक जो होते हैं कि जिनकी मार्केट वैल्यू जिनकी नहीं है, नए हैं आर्टिस्ट, उनके लिए जो नए लोगों में डायरेक्टर और लुक देखते हैं, तो कोई भी कैरेक्टर अगर कहीं पर ऑडिशन हो रहा है, तो ऑडिशन में अगर लिखा जा रहा है कि 22 साल की लड़की चाहिए, 23 साल का लड़का चाहिए, 50 साल की अम्मा चाहिए, माँ चाहिए कैरेक्टर के लिए, एक दादा चाहिए या फिर या बाप चाहिए, तो तभी आप अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए, राइट? वरना आपको काम ही नहीं है तो। हाँ, वैसे प्रोफाइल कहीं पर देना, अपना इंटरव्यू कुछ करना देना। अब तो फर्स्ट चीज है कि लुक इज इम्पोर्टेंट। आपका जो भी लुक है उसी बेस पे आपको काम, ठीक? अभी लुक तो ठीक है, हो गया, डन। लुक के बाद क्या देखा जाता है? लुक के बाद जो देखा जाता है वो है एक्टिंग। एक्टिंग से मतलब मेरा क्या है? एक्टिंग से मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक्टिंग कर रहा है, वो वाली एक्टिंग नहीं जो कोई भी कर रहा है। मुंबई में हजारों एक्टर है, सभी एक्टर है, लेकिन वो एक्टिंग कैसे कर रहा है डिपेंड करता है उसकी एक्टिंग कितनी ट्रूथफुल है, कितना ट्रूथफुल बर्ताव कर सकता है वो आर्टिस्ट, कितना हॉनेस्ट है, कितना कैरेक्टर को वो पोर्ट्रे कर पा रहा है हॉनेस्टली। जो सिचुएशन दिया गया है वो सिचुएशन को ट्रूथफुली निभा पा रहा है कि नहीं। हर कोई एक्टिंग करने से कोई एंटरटेनर नहीं बन जाता है। कई लोग एंटरटेन करते हैं यूट्यूब से, बट वो पर्टिकुलर चीज में एंटरटेन कर सकता है। अगर वो ट्राई करे तो आगे जा सकता है, वो अलग बात है। आप कॉमेडी में एंटरटेन कर सकते हैं, या डांस, कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, या जो भी आपका टैलेंट। एक्टिंग के बाद देखा जाता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड भी मीन्स एक्टिंग में ही है। अगर आप कोई कैरेक्टर निभा रहे हो तो एटीट्यूड तो उस कैरेक्टर की चाहिए ना, उसी कैरेक्टर का एटीट्यूड चाहिए जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो एटीट्यूड तो आप कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही आप लाएंगे अपने अंदर। अगर आप पर्सनल लाइफ में अमीर है और आपको एक गरीब का कैरेक्टर मिल गया, तो गरीब की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, एक गरीब का एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। और जो चौथी चीज है वही टैलेंट है, कि ओवरऑल जो भी आप कर रहे हैं, किस चीज में महारत हासिल है आपको। एक टैलेंट है आप में कि आप गाड़ी चला सकते हैं, एक टैलेंट है आप में कि आप बाइक चला सकते हैं, एक टैलेंट है कि आप प्लेन उड़ा सकते हो, एक टैलेंट है कि आप स्टंट कर सकते हैं, टैलेंट है कि आप भोजपुरी एक्सेंट में बात कर सकते हैं, मराठी एक्सेंट में बात कर सकते हैं, टैलेंट है कि आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, आप में टैलेंट है कि आप अच्छा डांस करते हैं, राइट? आप में टैलेंट है कि आप रो सकते हैं, रियल आंसू ला सकते हैं, आपको ड्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप में टैलेंट है कि आप जल्दी कैरेक्टर को पकड़ते हो, आप में टैलेंट है कि आप लाइंस को बहुत जल्दी याद करते हो। ये ओवरऑल देखा जाता है कितने टैलेंटेड है आप।